अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये देखें जी, हमने कनाल का प्लस्तर शुरू कर दिया है। ये हमारा प्लस्तर शुरू हो गया है माशाल्लाह से। दुआ करना अल्लाह इसको तकमील तक पहुँचाए और इनकी सबकी खैर फरमाए। जो गोहों पर चढ़ते हैं बेचारे मजदूर मिस्त्री। हाँ ठेकेदार, ये जी हमारा ठेकेदार है। नहीं नहीं मोबाइल नहीं साड़ता, अल्लाह रहम करो। ये जी हमारा सेंट्री का ठेकेदार है जी। लड़ो मत भिड़ो खूब। सुकून नहीं हो गया, गर्मी तो जान छुट गई। गर्मियों में प्लस्तर शुरू कर लिया अपन। चपटी काट ली, ग्राइंडर मार ली उसके अलावा। ये जी पहले इसके नीचे सीमेंट का नीरो लगाया दीवारों पर, वो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे आपको ईंट नज़र आ रही है। इसका तरीकाकार यही है, पहले नीरो लगाएं फिर ऊपर इसकी छाप शुरू करें ये मसाले की। ठीक है, इससे ये आपका प्लस्तर ख़राब नहीं होगा, पकड़ ज़्यादा रखेगा। अगर आप ईंट के ऊपर ही करेंगे तो उसकी मियाद कम होगी, वो जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। और प्लस्तर को छान लें लाजमी, रेत को मिक्स करके छानने के साथ छानना लाजमी है, क्योंकि उसका बड़ा फ़ायदा है। एक तो रेत के अंदर मिट्टी वगैरह रोड वगैरह नहीं होता, दूसरा उसकी छानने से उसको मिक्सिंग ज़बरदस्त हो जाती है। आप समझिए 100 पलटी आ जाती है, 100 बार एक चीज़ को जिसने ला लिया मिक्सिंग कर लिया उसकी फिर ताकत डबल हो जाती है। हमने छाना छान के फिर इसको हमने तैयार किया। ये देखेंगे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी जाली पड़ी है छानने वाली, इसके अंदर हमने रेत छानी है और वो छना हुआ मसाला पड़ा हमारा। छानने से इसका बड़ा फ़ायदा है। (coughs)